हे गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और अभी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द स्किन ऑफ योर फिंगर श्रिंक व्हेन यू वॉश क्लोथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। आंसर इज सोप सॉल्यूशन इज अ कॉन्सेंट्रेटेड हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन सो वाटर मूव्स आउट ऑफ द फिंगर सेल्स बाय ऑस्मोसिस। दिस कॉसेस श्रिंकेज ऑफ फिंगर सेल। दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि जब आप बहुत देर तक कपड़े धोते हैं तो आपकी फिंगर श्रिंक क्यों हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है कि जो सोप सॉल्यूशन होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से जो फिंगर सेल्स होती हैं वो ऑस्मोसिस की एक प्रोसेस होती है। ऑस्मोसिस की इस प्रोसेस में जो आपकी फिंगर सेल्स हैं वो वाटर लूज कर देती है, उसमें से वाटर निकल जाता है हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन की वजह से, और इसलिए आपकी जो फिंगर की स्किन है वो श्रिंक हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वी ईट फूड कंपोज्ड ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स विटामिंस मिनरल्स एंड वाटर। आफ्टर डाइजेशन दीज आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एमिनो एसिड्स फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल एक्स्ट्रा। What mechanism are involved in the absorption of digested food and water? यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो फूड होता है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से कंपोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स विटामिन्स मिनरल्स एंड वाटर। तो आफ्टर डाइजेशन ये अलग अलग फॉर्म में डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होते हैं, ग्लूकोज एमिनो एसिड फैटी एसिड ग्लिसरॉल इनके फॉर्म में। तो व्हाट मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर। देन आंसर इज डाइजेस्टेड फूड में जो हमारा ग्लूकोज एमिनो एसिड एंड सम आयंस होते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो होते हैं ये डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, और जो वाटर होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है इफ़ यू आर प्रोवाइडेड सम वेजिटेबल्स टू कुक। अगर आप कुछ वेजिटेबल्स को कुक करते हैं यू जनरली एड सॉल्ट टू द वेजिटेबल, तो आप उसमें कुछ सॉल्ट मिलाते हैं कुकिंग की प्रोसेस में। आफ्टर एडिंग सॉल्ट वेजिटेबल्स रिलीव वाटर। और एडिंग सॉल्ट को ऐड करने के बाद वेजिटेबल वाटर रिलीव करते हैं, तो यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होती है इस प्रोसेस के लिए। द आंसर है रिलीफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम वेजिटेबल इनटू द कुकिंग मीडियम इज ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस। यहाँ पर एक प्रोसेस होती है एक्स ऑस्मोसिस, जिसमें वेजिटेबल्स में से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं, और इसीलिए जो वेजिटेबल्स होती हैं रिलीफ वाटर को रिलीव करती हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, If cells of onion peel and RBCs are kept separately in hypotonic solution, what among the following will take place? Explain the reason for your answer. Okay, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अनियन पील को और RBCs को सेपरेटली अलग अलग करके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाता है, उसके बाद कौन से प्रोसेस होगी उसमें। उसके लिए कुछ ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन ए में दिया है बोथ द सेल्स विल स्वेल, दोनों सेल्स स्वेल हो जाएंगी। बी है आरबीसी विल बर्स्ट इजीली व्हाइल सेल्स ऑफ अनियन पील विल नॉट बर्स्ट। आरबीसी आसानी से बर्स्ट हो जाएगी जबकि अनियन पील नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर्स हैं। डी आरबीसी एंड अनियन पील सेल्स विल बिहेव सिमिलरली, दोनों सिमिलरली बिहेव करेंगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसलिए होगा क्योंकि आरबीसी जो है वो ईजीली बर्स्ट हो जाएगी बिकॉज उसमें सेल वॉल नहीं मिलता है, और जबकि जो अनियन पील है उसे सेल वॉल फाउंड होता है, जिसकी वजह से वो सेल तो होगी बट बर्स्ट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, बैक्टीरिया डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट बट सम बैक्टीरिया आर फोटो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर एंड परफॉर्म
फोटोसिंथेसिस विच पार्ट ऑफ बैक्टीरिया सेल परफॉर्म दिस। बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं नेचर में। उनके स्वभाव में वो फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म भी करते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बैक्टीरियल सेल कैसे, कौन सा पार्ट है बैक्टीरियल सेल का जो इसको परफॉर्म करता है। तो आंसर है द फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैव क्रोमेटोफोर्स क्रोमेटोफोर्स विच ऑरिजिनेट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड पोसिस फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियल पिगमेंट्स विच टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऑरिजिनेट होते हैं और यही जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियल पिगमेंट्स के रूप में काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहीं से इनके थ्रू होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर और बाहर डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू जाएगी, जबकि जो वाटर है वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर और बाहर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इम्पॉर्टेंट फॉर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण से संबंधित है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स मैनी एंजाइम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे एंजाइम सिस्टम्स होते हैं और ये अलग अलग फंक्शंस को करते हैं, जिसमें से बायोजेनेसिस भी इसके कुछ कंपोनेंट्स के थ्रू होता है। टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं मेम्ब्रेन के, प्रोटीन एंड लिपिड, जो मैन्युफैक्चर होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मेम्ब्रेन की साइट पर, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन की साइट पर, जिसकी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है एवरी न्यूक्लियर डिवीजन के बाद और गॉल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन भी बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई इज एंडोसाइटोसिस फाउंड इन एनिमल सेल्स बट नॉट इन प्लांट सेल्स। एंडोसाइटोसिस इज इंगल्फिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोसाइटोसिस में मैक्रोमोलिक्यूल्स को इंगल्फ किया जाता है, उनके सब्सटेंस को इंगल्फ किया जाता है एक्सटर्नल मीडियम से थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सब्सटेंस को इंगल्फ करती है और ये सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है, क्योंकि जो प्लांट सेल्स होती हैं उसमें सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है और ये डायरेक्ट मीडियम के कॉन्टेक्ट में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन टेक्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट आफ्टर सम टाइम ही स्टार्ट्स वॉमिटिंग। विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच सिचुएशन एक्सप्लेन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। जब इसको लिया जाता है तो इसकी वजह से इरिटेशन और एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल की वॉल पर, जिसकी वजह से रिवर्स मूवमेंट होते हैं और वॉमिटिंग होती है। Why are lysosomes are known as sponges of the cells? Lysosomes are called sponges of the cells क्योंकि ये रिमूव करते हैं सेल की जो डेब्रिस होती है, जिसमें से डेड सेल्स हैं, वॉर्न आउट सेल्स हैं, उनको ये डाइजेस्ट कर देती है। इसके अलावा ये नरिशमेंट देने का भी काम करती है कुछ सेल्स को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच काइंड ऑफ प्लास्टिड इज मोर कॉमन इन। हमें प्लास्टिड का नाम बताना है कि कौन से प्लास्टिड इनमें कॉमन होते हैं। फर्स्ट है रूट, रूट में ल्यूकोप्लास्ट कॉमन होता है जिसकी वजह से ये फूड को स्टोर करके रखता है। लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है। फ्लावर एंड फ्रूट्स के डिफरेंट कलर्स क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जिसको हमने यहाँ पर पढ़ा है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी और विषय पर भी, किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।